leads to question number third of exercise 3D, that is factorization of polynomial. Question number third is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz माइनस 16zx, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात, हम माइनस दो जगह आ रहा है. हमारा फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देखिए सब में प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस जगह माइनस आ रहा है. तो दैट मीन्स कौन सी वैल्यू दोनों में रिपीट हो रही है, z दोनों में रिपीट हो रहा है, तो z इसका मतलब हमारा क्या है, माइनस का है, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए 4x को, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 2x लिख सकते हैं. तो दैट मींस ये किसका स्क्वायर हो गया, 2x का होल स्क्वायर हो गया. अब 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3y इंटू 3y लिख सकते हैं. तो दैट मींस ये किसका स्क्वायर हो गया, 3y का होल स्क्वायर हो गया. अब z मैंने बताया था आपको नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस लगा देंगे. 16z स्क्वायर किसको लिख सकते हैं, 4z इंटू 4z लिख सकते हैं. तो ये आ गया 4z इंटू 4z, दैट मीन्स 4z का स्क्वायर. अब प्लस 2ab, a क्या है 2x, b क्या है 3y, प्लस 2bc, b क्या है 3y, z क्या है माइनस 4z, प्लस 2ca, c क्या है हमारा माइनस का 4z, और a क्या है 2x, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस का 2 2 4 4 3 12 xy, ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 6 6 4 24 yz. अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 4 16 zx. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता था, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो ये आ गया, a क्या था हमारा 2x, प्लस बी क्या था 3y, और z क्या था माइनस 4z, सॉरी 4z था का होल स्क्वायर हो गया. अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये क्या आ गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर. अब फैक्टराइज करना है तो इसको स्क्वायर को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर का मतलब यही वैल्यू दो बार लिख देना, जैसे हम a स्क्वायर करते थे, दैट मींस a इंटू a करते थे, ऐसी ये. तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.